अद्वैत साइड एक्चुअली अद्वैत हैज अद्वैत की पहली फिल्म है तो वो बहुत खुश है एंड वी वांटेड टू आई मीन वी फॉर अस इट्स द लॉन्च ऑफ अनदर काइंड ऑफ सुपरस्टार यू नो अ राइटर डायरेक्टर हु इज एंटायरली न्यू कंटेंट एंटायरली हिज ओन बेबी तो फॉर हिम इट्स अ मोमेंट ऑफ इवन बिगर प्राइड देन फॉर अस या टुनाइट वी आर द गेस्ट्स या थैंक यू थैंक यू हम लोग बहुत खुश हैं कि लोगों को फिल्म इतनी पसंद आई है और जो जो हमको रिएक्शन मिले हैं आप लोग भी जो थिएटर के बाहर रिएक्शंस लेते हैं वो भी मैंने देखे हैं तो बहुत खुशी हुई मुझे कि सभी लोगों को ये फिल्म और अद्वैत की ये पहली फिल्म है तो अद्वैत तो बहुत ही खुश है इंडस्ट्री के लोगों को बहुत पसंद आई और क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई तो सब जगह से तारीफ आ रही है तो आई थिंक अद्वैत इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ही इज़ थ्रोन हिज फर्स्ट पार्टी What would you say? Like, I'm very happy with the success of the film, with the reaction to the film, and with the reaction to my character. I'm really thrilled. I'm really happy. नहीं अद्वैत के लिए तो मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि पिछले 10 साल से मैं उसको जानता हूँ और किसी न किसी तरह वो हमारे साथ काम कर रहा है तारे ज़मीं पर से फिर धोबी घाट पे काम किया फिर मेरे साथ 4 साल काम किया तो किरण और मुझे हम दोनों को बेहद खुशी है कि अद्वैत जो है उसका जो पहला कदम है इंडस्ट्री में वो इतना शानदार रहा है और इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई है उसने जो लोगों को इतनी पसंद आ रही है लोगों के दिल को छू लिया है उसने और वो लोगों के दिल में उतर गया है एज अ राइटर एंड डायरेक्टर तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम वेरी हैप्पी फॉर ही दैट्स मुझे बताया नहीं उसने बट आई वुड लव टू डू दैट अद्वैत वॉज राइट बिकॉज जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिला है इस किरदार के लिए पीपल हैव रियली एंजॉयड माई कैरेक्टर एंड मैंने थिएटर में भी देखी है फिल्म ऑडियंस के साथ और लोग खूब हंस रहे हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं एंड जो एक दिल से हंसी निकलती है सो दैट That character is really very entertaining and I think that I'm happy ke Adwait ne mujhe convince kiya ye character karne ke liye. We were speaking to Kiran. Haan. So, numbers matters? Sorry? Numbers matters? Numbers is one yardstick. Yeah, numbers is one yardstick about the success. And agar hum numbers dekhein to jo film ki cost hai uska double hum already kar chuke hain. To, matlab jo industry norms hai usme to ye super hit kehlayegi. Aamtaur se jo film mein अपना पैसा कमा लेती हैं उसी को हम हिट बोल देते हैं तो ये तो जो जो कॉस्ट है फिल्म की उससे डबल ऑलरेडी हो गया हाफ सेंचुरी वेल आई होप के द फिल्म अभी फिल्म तो अभी चल रही है बट आई एम सेइंग एज आई सेड नंबर्स मेरे लिए इतने कभी इम्पोर्टेंट नहीं होते जो लोग नंबर्स मेरे लिए हमेशा ये इम्पोर्टेंस रखते हैं कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं फिल्म में उसके ऊपर हम एक प्रॉफिट कमाएं और हर फिल्म की अपनी बजट होती है रेंज होती है सो आई एम वेरी हैप्पी विद द सक्सेस ऑफ द फिल्म या इज डूइंग वेरी वेल इंटरनेशनली आल्सो एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली जो रिएक्शंस आ रहे हैं तो हर तरह से हर जगह से इट्स डूइंग वेरी वेल ओवरसीज एंड एक दो महीने में चाइना में भी रिलीज होगी बिल्कुल ये दिवाली जो है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है गोलमाल बहुत बड़ी हिट हुई है और सीक्रेट सुपरस्टार बहुत कामयाब हुई है आई थिंक एक और फिल्म है जो चली है जुड़वा टू हाँ दो हफ्ता पहले जुड़वा टू चली है तो एक अच्छा पीरियड आया इंडस्ट्री के लिए जी हाँ बिल्कुल आशा है मैंने ट्रेलर देखा उसका पद्मावती का बहुत ही शानदार ट्रेलर है और सलमान की फिल्म आएगी क्रिसमस पर टाइगर जिंदा है तो ये फिल्में जो आने वाली हैं इससे हमें उम्मीद है नहीं नहीं मेरा मैंने खुशी कोई भी अच्छा दिन मिल जाए रिलीज के लिए उस पे हम रिलीज करते हैं और ये एक बार अच्छी देखी आपने कि मतलब आपने मिस्टर अजय देवगन के साथ भी अच्छे फोटो देखे हमने जी 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 और मिस्टर शाहरुख खान के साथ भी लाइक हैड अ गुड टाइम दिस हैज बीन अ वेरी गुड कॉर्डियल रिलेशंस हमेशा से रहे मेरे तो हमेशा से रहे कॉर्डियल रिलेशन सबके साथ और सभी अच्छा काम करते हैं अभी व्हाट डू यू से अबाउट चाइना
जी हाँ जी, हमारी फिल्म चाइना में भी ज़रूर रिलीज़ होगी अगले एक दो महीने के अंदर, तो उसकी प्लानिंग अभी चलेगी, उसकी शुरू होगी प्लानिंग। ज़ायरा के लिए अवार्ड्स, अवार्ड सीजन शुरू हो रहा है, अवार्ड्स मतलब आपके लिए नहीं, मैं खुश हूं, अवार्ड्स लेते लेते थक गया हूँ। थैंक यू भैया, किस तरह सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं आप? हम लोग तो हमें रियलाइज़ हो ही नहीं रहा एक्चुअली जो भी हो रहा है, पर ऑल आई कैन से इज़ वी ऑल आर वेरी हैप्पी। हमारी फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और अगर आप पूछे हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मैं और अद्वैत रोज़ जाके थिएटर में फिल्म देख के आते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मूवी को, हर कैरेक्टर को इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, तो हम लोग बहुत खुश है कि हमारी मूवी को इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, इतने अच्छे कैरेक्टर्स को भी इतना प्यार मिल रहा है। आप दोनों की बहुत ही एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है फिल्म में, बहुत क्यूट सी लव स्टोरी भी है, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले आप दोनों के किरदारों को अगर पूछा जाए तो? सबको बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही क्यूट बॉन्ड है जो फिल्म में है, और आई थिंक आई नो इट के जो तीर्थ है वो रियल लाइफ में भी चिंतन है, मतलब जिस जो वो स्क्रीन पे दिखा रहा है, he is just being himself, relax, he is just being himself on screen. कॉम्प्लीमेंट्स वियर्ड मिल रहे हैं, फ्रेंड्स वियर्ड स्पेशली, हाँ मतलब फ्रेंड्स के सही फ्रेंड्स की तरफ से बहुत वियर्ड कॉम्प्लीमेंट मिलता है, पर वियर्ड कॉम्प्लीमेंट्स लेने में भी एक मज़ा आता है, सो अच्छा लग रहा है। नहीं मैं इसलिए बोला ना, मैं फ्लर्टी नहीं हूँ, मैं पहले बोला। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सबको पसंद आ रहा था और एवरी वॉज लाइक एंजॉइंग द मूवी, सबको बहुत अच्छी लगी। आई डोंट माइंड, पर मुझे इन दो फिल्म में बहुत मज़ा आया, आई होप आगे भी मुझे उनके साथ काम करने को मिले, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपके दंगल के को-स्टार्स से क्या रिएक्शन मिला? दे रियली लाइक द फिल्म, सबको फिल्म बहुत पसंद आई है, और सान्या दी ने तो एक गाना कोरियोग्राफ भी किया था, सेक्सी बलिया जो सीक्रेट सुपरस्टार के एंड पे आता है वो उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। बहुत हमने तो उसी दिन देख ली थी जब भी स्क्रीन की, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत ही अच्छी। मेरे लिए तो जब शक्ति कुमार ऑन स्क्रीन आते हैं तभी इतना मज़ा आता है उनको देख के, आई थिंक सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग एक्चुअली ये आपको उनका कैरेक्टर देख के आपको पता चलेगा कि कितनी एंटरटेनिंग फिल्म है। किसी को नहीं बताया था, इट वॉज अ सरप्राइज, आपने देखा? हाँ मैंने लास्ट का जो सॉन्ग आता है मूवी में सेक्सी वाली वो कोरियोग्राफ किया था, एंड आई केम टू बॉम्बे एज अ डांसर, दो दंगल हैपन एंड आई बिकेम एन एक्टर, बट डांस इज डेफिनेटली माई फर्स्ट लव, एंड आई एम सो थैंकफुल टू आमिर सर, अद्वैत एंड शमत, उन लोगों ने जब ये डिसाइड किया कि एंड फातिमा जब इन लोगों ने बोला कोरियोग्राफ करो तो आई थॉट दैट मजाक कर रहे हैं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। हमारी छोरी बहुत टैलेंटेड है।